नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एल पर रेजिमेंट पे और आपके साथ मैं हूँ यशी दुबे। हमारे चैनल के जरिए हम अलग अलग डिफेंस से जुड़ी अपडेट आप तक पहुँचाते हैं और कोशिश करते हैं आपको सटीक और सही जानकारी दें। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे डिफेंस की टॉप 5 खबरों के बारे में। अल्फा रेजिमेंट, अर्न यूनिफॉर्म, अर्न रिस्पेक्ट, प्रेजेंस डिफेंस न्यूज। इसरो अध्यक्ष का बयान, कहा इसरो की गगनयान अंतरिक्ष यात्री 2025 में पहली उड़ान के लिए तैयार। जी हां दोस्तों, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के अध्यक्ष एस सोमनाथ ने अपने बयान में कहा कि भारत के पहले मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम गगनयान के लिए चुने गए अंतरिक्ष यात्री तैयार हैं। मिशन के तहत वो 2025 में उड़ान भरने का इंतजार कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि इसरो इसे संभव बनाने के लिए प्रौद्योगिकी विकसित करने के लिए दिन रात काम कर रहा है। गगनयान मिशन का लक्ष्य साल 2025 में 4 अंतरिक्ष यात्रियों को 3 दिवसीय मिशन के लिए 400 किलोमीटर की कक्षा में ले जाना और उन्हें सुरक्षित रूप से पृथ्वी पर वापस लाना है। DRDO उद्योग जगत में लेजर प्रेरित सेंसिंग टेक्निक विकसित करने की बना रहा योजना। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन अपनी प्रयोगशाला लेजर विज्ञान और प्रौद्योगिकी केंद्र द्वारा विकसित जैविक एजेंटों का पता लगाने के लिए लेजर प्रेरित सेंसिंग टेक्निक को स्थानांतरित करने के लिए उद्योग की तलाश कर रहा है। वहीं DRDO का कहना है कि वर्तमान परिदृश्य में बढ़ती जैव आतंकवादी गतिविधियों के कारण सैन्य कर्मी और नागरिकों के लिए जैविक और रासायनिक दोनों का खतरा बना हुआ है। इसलिए इस तरह के खतरे के प्रभाव को कम करने के लिए खतरनाक एजेंडों की उपस्थिति का पता लगाना जरूरी है। एडमिरल आनंद कुमार का बयान, कहा 1000 से ज्यादा महिला अग्निवीर भारतीय नौसेना में शामिल। नौसेना प्रमुख एडमिरल आर हरि कुमार ने नौसेना दिवस से पहले संवाददाता सम्मेलन में अपने भाषण के दौरान अपने बयान में कहा कि 1000 से ज्यादा महिला अग्निवीरों को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है। एडमिरल आर हरि कुमार ने अग्निपथ योजना की सराहना करते हुए कहा कि अग्निपथ का कार्यान्वयन एक बहुत जरूरी और परिवर्तनकारी रहा है। साथ ही बताया कि अग्निवीरों का पहला बैच इस साल मार्च में प्रमुख विजेता प्रतिष्ठान INS चिल्का से ग्रेजुएट हुआ है। वाइस एडमिरल एमए हम्पी होली का बयान, कहा INS विक्रांत जनवरी के अंत तक चालू हो जाएगा। दक्षिणी नौसेना कमान के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ वाइस एडमिरल एमए हम्पी होली ने कोची में बताया कि भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत INS विक्रांत जनवरी के अंत तक चालू हो जाने की उम्मीद है। नौसेना दिवस के अवसर पर फर्स्ट ट्रेनिंग स्क्वाड्रन पोत INS के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा कि नौसेना तीसरे विमान वाहक पोत के लिए केंद्र के साथ बातचीत कर रही है और उनके फैसले का इंतजार कर रही है। उन्होंने कहा कि कोची नौसेना 20 का उत्तरी घाट अक्टूबर 2024 तक पूरा हो जाएगा। वहीं वर्तमान में नौसेना के पास 130 जहाजों की ताकत है, जो कि साल 2035 तक 160 से 170 हो जाने की उम्मीद है। भारतीय वायुसेना का बयान, कहा हमने दैनिक आवश्यकताओं में 95% आत्मनिर्भरता हासिल कर ली है। मेंटेनेंस कमांड के एयर ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ विभास पांडे ने अपने बयान में कहा कि भारतीय वायुसेना पहले ही दैनिक आवश्यकताओं में 95 से 97% आत्मनिर्भरता हासिल कर चुकी है और अब उसे प्रधानमंत्री के आत्मनिर्भर दृष्टिकोण को हासिल करने के लिए काम करना है। विभास पांडे ने ये भी कहा कि Sukhoi-30 MTI पर हमारी निर्भरता HAL पर है और हमने MiG-29 पर काफी स्वदेशीकरण भी किया है। वहीं रूस यूक्रेन युद्ध का सामना करने के बाद भी MiG-29 पर कोई फर्क नहीं पड़ा है। तो दोस्तों, आज के लिए डिफेंस की टॉप 5 खबरों में बस इतना ही। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल FRHMENT को तुरंत सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना मत भूलें। हम आपसे जल्द मुलाकात करेंगे अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।